अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अम्मू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अड्डू। वेलकम टू अम्मू एंड अड्डू शो। अस्सलामुअलैकुम इखरा। वालेकुम सलाम दीदी। आज हम ABCD वर्ड सीखते हैं। ओके दीदी, चलिए शुरुआत करते हैं। ई इज फॉर ईमान। ई फॉर ईमान। ईमान यानी अल्लाह पर यकीन रखना। जैसे कि हमारा ईमान है कि जब भी हम दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल करते हैं, इसी को ईमान कहते हैं। E is for elephant. E for elephant. Elephant यानी हाथी। ये एक जंगल का जानवर होता है और ये सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर होता है, तो जंगल और जू में पाया जाता है। E is for egg. E for egg. Wow, दीदी, मेरे को egg बहुत पसंद है। हाँ इखरा, egg सबको पसंद होता है और इसको खाने से हमें बहुत फायदे भी मिलते हैं। E is for earth. E for earth. Earth यानी जमीन, इस पर हम सब रहते हैं। E is for envelope. E for envelope. Envelope यानी लिफाफा, जिसमें हम कोई लेटर या पैसे डालकर दूसरों को देते हैं। E is for exercise. E for exercise. Exercise यानी वर्जिश। हम सबको कुछ देर ही सही एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं और बीमारियां भी नहीं आती। E is for eye. E for eye. Eye यानी आंख, जिससे हम देखते हैं। और इखरा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। E is for eraser. E for eraser. Eraser यानी वो रबर, जिससे हम कुछ लिखकर मिटते हैं। E is for eagle. E for eagle. ईगल यानी चील, जो बहुत डेंजरस परिंदा होता है, जो छोटे परिंदों पर हमला कर खा जाती है। ई फॉर एयर। ई फॉर एयर। एयर यानी कान, और ये भी एक अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ई फॉर इंजन। ई फॉर इंजन। इंजन यानी गाड़ी का वो हिस्सा, जिसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती, और कोई भी गाड़ी चलने के लिए इंजन होना जरूरी होता है। E is for eight. E for eight. Eight तो हम सबको पता है, ये एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। E is for ईद। E for ईद। ईद यानी खुशी वाला दिन, जैसे कि हम मुस्लिम्स के लिए दो ईद होते हैं, रमजान की ईद, बकरी ईद, जिसमें हम खुशियाँ मनाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सब्सक्राइब टू अम्मू एंड अड्डू शो।